कीर्तिस किचन केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। बिरयानी सबको बहुत पसंद आती है। हर स्टेट की, हर कम्युनिटी की अपनी एक बिरयानी बनाने का अलग तरीका होता है। आज मैं आप सबके साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले एक मसाला रेडी कर लेते हैं। एक टेबलस्पून धनिया लेंगे, कुछ धागे केसर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले नहीं तो ना ले। आधा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा जायफल लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही साथ थोड़ा सा जावित्री, एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक चक्रफूल, एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले नहीं तो ना ले। चार पांच हरी इलायची और चार पांच लौंग लेंगे, एक टीस्पून खसखस लेंगे और हाफ टेबल स्पून जीरा लेंगे। इसके साथ एक टीस्पून तिल लेंगे और दो बड़े चम्मच काजू लेंगे। ये सारे चीज़ों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे और ठंडा करके इसको पीस लेंगे। स्मूथ पाउडर एक बन जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेडी है हमारा वो वाला पाउडर, इसको साइड पे रख लेंगे। अब मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। 500 ग्राम के करीब मटन लिया है मैंने, आप इससे भी बड़े बड़े पीसेस ले सकते हैं। अब इसमें आधा कप दही मिलाएंगे, साथ ही साथ जो मसाला पाउडर बना के रखे थे उसको मिला देंगे। अब इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी मिला लेंगे और इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने पसंद से डालिए, स्वाद के हिसाब से डालिए। अब इसमें एक चम्मच के करीब नींबू का रस मिला लेते हैं। चार पांच हरी मिर्च डालेंगे, एक बड़े टमाटर चॉप करके डाल लेते हैं, डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मिलाएंगे और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी मिला लेंगे। इसके बाद एक बड़े प्याज को ऐसे ब्राउन करके फ्राई करके डाल लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक घंटे के लिए फ्रीज में रख लेंगे। ये हो गया हमारा मटन का मैरिनेशन, इसको कवर करके फ्रीज में रख लेंगे एक से दो घंटे के लिए मिनिमम। चार सौ ग्राम बासमती राइस लिया है मैंने, 500 ग्राम मटन के लिए 400 ग्राम राइस लिया है। आप मटन की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से धो के ऐसे पानी में भिगो के कम से कम आधे घंटे के लिए रख लेंगे, आप चाहे तो एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद पानी को बॉयल करेंगे, 2 लीटर के करीब पानी है। इसमें तेज पत्ता, थोड़े से लौंग, हरी इलायची, बड़ी वाला इलायची, दालचीनी डाल देंगे और इसके साथ एक बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही साथ एक टीस्पून केवरा वाटर डाले देंगे, नहीं तो रोज वाटर। इसके साथ तेल भी थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला लेंगे। नींबू के रस से चावल हमारा खिले खिले बनेंगे। इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे स्टर कर लेंगे और एक बॉयल आने तक वेट करेंगे। अब एक बॉयल आ चुकी है, जो भिगो के चावल रखे थे इसको डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हमको इसे 7 से 8 मिनट तक पकाना है। एकदम से पूरा 100% पकाना नहीं है, 80% तक पकेगा। मैं आपको दिखाऊंगी 80% कब पता चलेगा आपको। ऐसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हमको पकाना है। अब थोड़ा सा चावल लेंगे, एक चावल हाथ से ऐसे ले और इसको तोड़ना है। आसानी से ये टूट रहा है तो इसका मतलब चावल हमारा पक गया है 80%। अब इसको इमीडिएटली स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर से स्विच ऑफ करके, और इसी तरह चावल को स्ट्रेनर में ही रखेंगे अलग करके। इसे थोड़ा उल्टा पुल्टा कर लेंगे ताकि जो बीच का चावल है वो ज़्यादा ना पके। अब एक कुकर गरम करेंगे, इसमें 4-5 चम्मच तेल गरम करेंगे, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें 2-3 तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 4-5 हरी इलायची, 4-5 लौंग और 1 चम्मच जीरा डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें एक बड़े प्याज को काट के हमको डालना है और फ्राई करना है। एक बड़े प्याज को मैंने ऐसे स्लाइसेस में काट के
डाल दिया है। इसको अभी हम हाई फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसी तरह का प्याज चाहिए हमें। अब इसमें जाएगा जो मैरिनेट किया हुआ मटन। सारे मटन को डाल देंगे, फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से मटन को हमें फ्राई करना है, कम से कम 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे। ऐसे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए मटन को अच्छे से फ्राई करना है हमें। ऑलमोस्ट ये हो गए हैं, मसाले अच्छे से पक गए हैं। इसे ऐसे ही पकाना है 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे। अब मटन अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल भी ऊज आउट हो गया है। इसी टाइम पे हम 1 ग्लास के करीब गर्म पानी मिला देंगे। मिला के कुकर का लीड लगाकर मटन गलने तक पकाएंगे। पहले हाई फ्लेम पे एक हुईसी लाने तक, फिर 7-8 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है, मतलब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। इसी में इस तरह का ग्रेवी चाहिए, क्योंकि इसी में हमको राइस को डाल के पकाना है। अब चेक करते हैं मटन गला है या नहीं। बहुत अच्छे से मटन गल चुकी है। अब लेयरिंग कर लेते हैं। जिस बर्तन पे दम पे बनाना है उसी बर्तन पे मटन को ऐसे डालेंगे। मटन को अच्छे से एक लेयर कर लेंगे। इसी टाइम पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हमें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। धनिया या पुदीना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर तले हुए प्याज थोड़े डाल देंगे, और जो राइस हम 80% कुक करके रखे थे वो इसके ऊपर बिछा देंगे। अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से बिछाने के बाद थोड़ा सा और तले हुए प्याज डाल देंगे, और थोड़ा सा पुदीना और धनिया का पत्ता भी डाल देंगे। थोड़े से केसर को दूध में भिगो के रखा था वो डाल देंगे। आप चाहे तो येलो फूड कलर मिला के भी दूध में डाल सकते हैं। अब इसमें 1 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। घी से बहुत अच्छा खुशबू आता है। और इसी के साथ 1 चम्मच केवरा एसेंस या रोज वाटर कुछ भी आप डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसको कवर करेंगे 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे, और 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब ये मटन बिरयानी हमारा रेडी है। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत ही डिलीशियस है ये। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे गर्मा गर्म अपने पसंद के रायते के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल कीर्ति किचन केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और नीचे जो मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।